Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan, and today we will discuss central limit theorem. Central limit theorem, सबसे पहले हमें पता हो कि it was introduced by French mathematician Abraham de Moivre in 1792, but it was reintroduced in 1812 by Pierre Simon Laplace. So you should know के कब introduce हुआ था, reintroduce कब हुआ था. और ये है क्या, it's a statistical model. क्या है, it's a statistical model जो हमें क्या बताता है कि किसी भी वेरिएबल को आप assume करें और उस वेरिएबल की जितना सैंपल साइज आप इंक्रीज करते हैं उतना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नियर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा. इसको हम यूज कब करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की यूज कब करते हैं, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉपुलेशन जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं. उस पॉपुलेशन की सैंपलिंग लेते हैं, पॉसिबल सैंपल, उसी सैंपल की फिर हम मीन निकालते हैं और वो मीन आपको नियर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाएगा, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नियर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कह रहे थे कि किसी भी वेरिएबल की आप सैंपल साइज लेते हैं, जितना सैंपल साइज को आप बढ़ाएंगे उतना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमारे पास टू सैंपल साइज है, वन वन, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अगर हम यहां पर अपने सैंपल साइज को फोर कर ले, वन टू थ्री फोर, तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नहीं है. अगर ये हम अपना सैंपल साइज टेन तक लेकर जाए, थ्री फोर थ्री, तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन एज कंपेयर टू ये वाला पेयर आपके पास थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है. आप इसको ट्वेंटी कर ले, थ्री फोर फोर थ्री टू वन, ये नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. जब आप अपने सैंपल साइज को 30 तक लेके जाते हैं, थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव फोर फोर थ्री थ्री, तो ये फिर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाएगा. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जितना आप अपना सैंपल साइज बढ़ाते हैं उतना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा. और ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. यू शुड नो व्हेन टू यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सेंट्रल लिमिट थ्योरम वी यूज व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है तब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, कि हम उस पॉपुलेशन की पॉसिबल सैंपल लेते हैं, उस वो सैंपल आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा. पहला हमारा तीन अजम्पशन है इसके. पहला अजम्पशन हमारा ये होगा कि जब पॉपुलेशन, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी यूज सेंट्रल थ्योरम. हम इस पॉपुलेशन की पॉसिबल मीन लेते हैं एंड दैट पॉसिबल मीन आपको क्या लेके किस तरफ लेके जाएगा, नियर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड नंबर पर असम्पशन क्या है, जो पॉसिबल मीन हमने, पॉसिबल सैंपल हमने लिए, पॉसिबल सैंपल, पॉसिबल सैंपल यहां पर जो हमने लिए है वो पॉसिबल सैंपल की हम अगर ग्रैंड मीन मालूम करें, ग्रैंड मीन, सारे मीन की हम एक ग्रैंड मीन निकालते हैं, ठीक है. तो ग्रैंड मीन और पॉपुलेशन मीन क्या होंगे, इक्वल होंगे. ग्रैंड मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल होंगे. थर्ड असम्पशन क्या है कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ दैट सैंपल, सैंपल विल बी, सैंपल विल बी लेस देन पॉपुलेशन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हम दो चीजें मालूम करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस. तो सैंपल की जो हम स्टैंडर्ड, इस सैंपल की जो हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मालूम करते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियंस, ये दोनों पॉपुलेशन की मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी से लेस होंगे.
तीनों चीजें आपने याद रखने हैं कि जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, हम उसकी पॉसिबल सैंपल लेते हैं, वो सैंपल आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाएगा। सेकंड नंबर पर उस सैंपल मीन की अगर हम ग्रैंड मीन मालूम करें, वो पॉपुलेशन की मीन के बराबर होगा। थर्ड नंबर पर क्या शो करेगा कि जब आपकी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मालूम करते हैं पॉपुलेशन की और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी उन सैंपल की, तो सैंपल की मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विल बी लेस देन पॉपुलेशन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। हम इन तीनों को वन बाय वन कर लेते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अल्दर द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पॉसिबल सैंपल मीन विल टेंड टुवर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नियर नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉपुलेशन है 13579, पॉपुलेशन को आप कैपिटल एन से भी लिख सकते हैं। तो इसके अगर हम डायग्राम बनाए, वन हमारे पास एक बार है, थ्री भी वन टाइम है, फाइव भी वन टाइम है, सेवन भी वन टाइम है, नाइन भी वन टाइम है, तो ये आपके पास फ्लैट शो कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं कर रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं कर रही है, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके लिए हमने फर्स्ट जो रूल अप्लाई करना है यहाँ पर, इसके हम पॉसिबल मीन सैंपल लेते हैं। तो पॉसिबल सैंपल लेते हैं 13151779 सैंपल है हमारे पास, 13151719, 353739। और एंड में 79, ये आपके पास पॉसिबल सैंपल है। इसके हमने क्या निकालने हैं, पॉसिबल सैंपल मीन, इसकी मीन आप निकालेंगे तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, एन हमारे पास कितने हैं 2 है, और समेशन ऑफ एक्स 314, तो 41 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इसका क्या आ गया मीन आ गया, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया, 156 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 178 डिवाइड बाई 2 4, 1910 डिवाइड बाई 2 ये प्लस करे सारे को ना, 1 प्लस 9 5 आएगा, 358 डिवाइड बाई 2 4 आएगा, 3710 10 को आप 2 पे डिवाइड करें 10 5 आएगा, 9 3 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आएगा, 57 14 को 2 पे डिवाइड करें 7 आएगा, 59 14 2 पे डिवाइड करें 7 आएगा, 97 16 2 पे डिवाइड करें 8 आएगा। समझ रहे आप लोग, 35837 ये आपके पास आ गया, 556 39 12 7 और 5 क्या हो गया, 7 और 5 12 आ गया, 12 को 7 और 5 12 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आएगा। तो ये आपके पास पॉसिबल क्या है, मीन है। इस सैंपल के आपने मीन निकाल दिए, अब इन मीन को आप लिख ले यहाँ पर इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 4 5 5 6 6 7 और 8। अब इसकी आप इस तरह एक डायग्राम बनाए, हमारे पास ये हो क्या हो गया 2, और फिर हमारे पास 3 है, 4 5 6 7 और 8, कितने बार आए है 1 2 3 सही है। तो 2 हमारे पास कितने बार आए है, 1 टाइम आया है 2, 3 कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है, 4 हमारे पास 2 टाइम आया है, 4 हमारे पास क्या है 2 टाइम आया है, तो 2 टाइम हमारे पास यहाँ है। फाइव भी हमारे पास 2 टाइम आया है, 6 भी हमारे पास 2 टाइम आया है, 7 भी हमारे पास 1 टाइम आया है, और 8 भी हमारे पास 1 टाइम है। सो अगर इसकी कंपैरिजन में आप इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करें तो इट्स इज नियर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, नियर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप इसकी सही तरह ड्रा करें तो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करता है। तो व्हाटएवर नियर टू नॉर्मल या परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा,
जब भी कोई पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है उसके आप पॉसिबल सैंपल ले ले, उनकी मीन निकाले, वो मीन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाएगा। जिस तरह आपके पास एग्जाम्पल है कि पॉपुलेशन हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो कर रही थी, जब हमने उस पॉपुलेशन के पॉसिबल सैंपल ले लिए, उनके हमने मीन निकाल दिए, उन मीन को हमने डायग्रामेटिकली पुट किया, तो आपके पास नॉर्मल कर्व शो कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो सेकंड रूल ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको क्या शो करती है कि ग्राउंड मीन ऑफ दैट सैंपल मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। इस पॉपुलेशन की मीन हमारे पास जो होगा और इन जो हमारे पास सैंपल मीन है, इनकी ग्राउंड मीन हम जब निकालेंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन की मीन निकालते हैं कि समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स का है 1, 3, 4, 5, 9 और 7, 16 और 9, 25, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या आएगा, म्यू हमारे पास क्या आएगा, म्यू 5। अब हमने इन सैंपल मीन की ग्राउंड मीन मालूम करना है, समेशन ऑफ मीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मीन। तो हमारे पास क्या है, 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8, 2, 3, 5, 4, 9, 4, 13, 5, 18, 5, 23, 6, 29, 35 और 7, 42, 50। और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 50 / 10 = 5। तो आपके पास ग्रैंड मीन इज इक्वल टू म्यू, 5 = 5। सो सेकंड रूल्स आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप इस तरह कर सकते हैं। थर्ड रूल क्या है कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ सैंपल विल बी लेस देन पॉपुलेशन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हमारे पास दो है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। जो जब हम पॉपुलेशन की मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मालूम करेंगे और जब हम सैंपल सैंपल मीन की मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मालूम करेंगे, तो सैंपल मीन की मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होंगे, लेस होंगे, विल बी लेस। तो दोनों की मालूम कर लेते हैं। अगर हम पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस का फार्मूला पुट करें तो हमारे पास होगा Summation of x minus mu whole square divided by capital N minus 1। तो हमने यहाँ पर mu मालूम है, population की mu हमारे पास क्या है, 5 है। तो हमने x minus mu मालूम करना है, 1 - 5 = -4, 3 - 5 = -2, 5 - 5 = 0, 7 - 5 = 2, 9 - 5 = 4। अब इसकी स्क्वायर लेना है, x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये मालूम करना है ना, x माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो 4, 4, 16, 2, 2, 4, 0, 2, 2, 4, 4, 4, 16। तो इसकी सबमिशन करेंगे कि सबमिशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो 16, 4, 20, 0 और 20, 40। एन हमारे पास क्या है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 - 1, तो 40 / 4 = 10। तो हमारे पास वेरिएंस क्या आ गया, 10 आ गया। वेरिएंस को स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करना है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले रहे तो यहाँ पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और 10 की आप अगर आप अंडर रूट ले रहे तो ये पास आएगा आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन 3.16। अब हमने पॉपुलेशन के लिए मालूम करना है, ये हमारे पास एक्स है, यहाँ पर पॉपुलेशन के फार्मूला क्या है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई छोटा एन स्मॉल एन माइनस वन। तो हमारे पास मीन क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, 2 - 5 = -3, 3 - 5 = -2, 4 - 5 = -1, 4 - 5 = -1, 5 - 5 = -1, 5 - 5 = -0, 5 - 5 = -6, -5 - 1, 6 - 5 = 1, 7 - 5 = 2 or 8 - 3। आपने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मालूम करना है, तो 3 के स्क्वायर लेंगे 9, 2 के लेंगे 4, 1 के 1, 0, 0, 1, 1, 2 के 4, 3 के 9। अब इसने आपने समेशन कराना है कि x
माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो इसके आएगा 9, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, ये आपके पास 30 के बराबर है। फार्मूला में फुट करें तो यहाँ पर आप 30 लिख ले और यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 माइनस 1, तो 30 डिवाइड बाई 9 आपके पास क्या आएगा, 3 से ऊपर आएगा, 3.2 इस तरह आएगा। तो आपके पास वेरिएंस क्या है, 3.2 है। अगर इसका आप अंडर रूट लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हैं, तो s इज इक्वल टू 1.16। सो आपके पास मालूम हो गया। अब आपने कंपेयर करना है पॉपुलेशन की सैंपल की जो वेरिएंस है वो 3.2 है, वो पॉपुलेशन की वेरिएंस से क्या है, कम है। सैंपल की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.16, वो आपके पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन 3.16 से क्या है, कम है। तो हेंस आपने ये रूल्स भी कर लिया कि मेजर अपीरेबिलिटी सैंपल की पॉपुलेशन की मेजर अपीरेबिलिटी से क्या होंगे, कम होंगे। मेजर अपीरेबिलिटी में दो चीजें चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस। अच्छा, स्टैंडर्ड मेजर अपीरेबिलिटी पॉपुलेशन में क्यों ज्यादा होगी, ये भी आपने समझना है। क्योंकि पॉपुलेशन आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और डेटा उनकी क्या है, वेरिएबल है, या उनकी डेटा ज्यादातर डिस्पर्स है। सैंपल आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी, एज कंपेयर टू उस पॉपुलेशन वो डेटा आपके पास क्या होगी, कंसिस्टेंसी शो करेंगे। तो दैट्स व्हाई मेजर अपीरेबिलिटी पॉपुलेशन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेजर अपीरेबिलिटी ऑफ दैट सैंपल मीन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम।